चैप्टर 11 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं इस चैप्टर में उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेन्स, इन डेजर्ट्स, ऑन माउंटेन्स एंड इन वाटर। प्लांट्स प्लेन एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ सारी तरफ रेत ही रेत होती है, सैंड बोलते हैं जिसको। माउंटेन्स पे भी ग्रो करते हैं और वाटर में भी ग्रो करते हैं। दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं और अलग अलग कलर्स के होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट एंड इट्स फंक्शंस। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझें और कैसे कैसे वो फंक्शन करता है। अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स। हमारा जो प्लांट है वो टू मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द रूट ग्राउंड नोन एज रूट एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड नोन एज द शूट। जो पार्ट हमारा ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसको रूट बोलते हैं और जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसको शूट बोलते हैं। द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो हमारा शूट होता है उसमें लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बड, फ्रूट, ये सब इसमें होता है शूट में। रूट्स, द रूट एंकर्स द प्लांट टू द सॉयल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को ताकि वो सॉयल में सीधा खड़ा रह सके और वो सॉयल में से वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टू टाइप का हमारा रूट है, फाइब्रस रूट और टैप रूट। देन इज स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट विच बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स। जो स्टेम है वो मेन पार्ट है शूट का, जिसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स आते हैं, बर्ड्स और फ्लावर्स लगते हैं। दिस इज स्टेम ऑफ अ ट्री। लीव्स, लीव्स ग्रो ऑन स्टेम्स। स्टेम्स के ऊपर ही लीव्स ग्रो करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इंटू फूड और वो हेल्प करते हैं, वही ये सारा काम करते हैं क्या, फूड बनाने का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज़ फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। सारे ग्रीन प्लांट्स के में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीनिंग लाइट एंड सिंथेसिस मीनिंग मिक्सिंग टुगेदर। फोटो का मतलब है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में। सिंथेसिस मीन्स मिक्सिंग टुगेदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपना फूड बनाना। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है। फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। और फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है स्टार्च या शुगर की फॉर्म में। फ्लावर्स, फ्लावर्स ऑल्सो ग्रो ऑन स्टेम्स। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। फ्लावर्स भी स्टेम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उनकी भी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग कलर हो सकते हैं। फ्लावर्स आर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स। फ्लावर्स की हेल्प से ही सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी फ्लावर्स के अंदर ही सीड्स बनते हैं।
सीड्स ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स, और फिर उन्हीं सीड से हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. दस फ्लावर्स हेल्प अ प्लांट ग्रो मोर ऑफ इट्स ऑन काइंड. फ्लावर हेल्प करते हैं एक प्लांट को ताकि वो अपने जैसे और प्लांट्स ग्रो कर सके. सम फ्लावर चेंज इंटू फ्रूट्स. कुछ एक फ्लावर होते हैं जो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. मोस्ट फ्रूट्स ऑल्सो हैव सीड्स इनसाइड देम. मोस्टली जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी सीड्स होते हैं. सीड्स सीड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप साइजेस एंड कलर्स. सीड्स के भी शेप भी अलग हो सकती है, साइज और कलर भी डिफरेंट हो सकता है. अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. सीड्स अगर हम ग्रो करते हैं तो एक न्यू प्लांट आ जाता है. वी कैन ईट सर्टेन सीड्स एंड दीज आर नोन एज एडिबल सीड्स. कुछ एक सीड्स को हम खा सकते हैं जिनको एडिबल सीड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर वीट, राइस, बीन्स, पल्सिस, सनफ्लावर एंड पम्पकिन. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडिबल सीड्स के. सम सीड्स आर हाउएवर इनएडिबल एंड वी डू नॉट कंज्यूम दम. कुछ एक सीड्स ऐसे होते हैं जो इनएडिबल होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड मैंगो. एप्पल और मैंगो के सीड्स जो होते हैं वो इनएडिबल होते हैं जिनको हम ईट नहीं कर सकते. थैंक यू.